वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप यू आर वेल एट होम एंड स्टडिंग वेल। तो बेटे पढ़ रहे हो ना घर पे बैठ के? आप आई होप आप पढ़ ही रहे होंगे, है ना? और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है बेटे, ये बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो आप बीमार होंगे ना, फिर देख लो सही नहीं होगी, तो इसलिए अच्छे से अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। कल बेटे हमने चैप्टर 5 रीड किया था मुंबई, आज हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज 21 पेज नंबर और 22 आज हम चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। कल हमने मुंबई चैप्टर में मुंबई की लोकेशन के बारे में और इंडस्ट्रीज इन मुंबई के बारे में डिस्कस किया था, फेमस बिल्डिंग एंड प्लेसेस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम करेंगे फूड ईटन एंड लैंग्वेज स्पोकन इन मुंबई। फूड ईटन पहले, कल हमने किसके बारे में डिस्कस किया था वो भी लिख देते हैं एक बार। फेमस बिल्डिंग एंड प्लेसेस, आज हम करेंगे फूड ईटन एंड लैंग्वेजेस स्पोकन इन मुंबई, कि कौन कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे की जाती है। हमारे कल हाफ हुआ था फेमस बिल्डिंग एंड प्लेस, हाफ आज हम रीड कर रहे हैं। यस बेटे, ओपन योर बुक पेज नंबर 221 एंड अपनी नोटबुक्स एंड पेंसिल ले लीजिए साथ में। लेट्स स्टार्ट। देर आर बीचेस लाइक यू मैरिन ड्राइव, वर्सोवा, चौपती। द बेस्ट व्यू ऑफ दिस सिटी इज फ्रॉम द मालाबार हिल्स। यहाँ पे बीच है बेटे, मीन्स पानी के अंदर। देखते हैं ना मुंबई का, आप फोन वगैरह में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, सॉरी, जू बीच, मैरियन ड्राइव, सोवा, चौपती आदि फेमस बीच है। द बेस्ट व्यू, यहाँ पे जो मेन देखने लायक थिंग है वो क्या है? मालाबार हिल्स। यहाँ पे मालाबार हिल्स है, मालाबार पहाड़ी है, वो यहाँ की देखने लायक है। जू बीच का आप व्यू देख लीजिए, ये देखिए आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। मैरियन ड्राइव देख लीजिए, चर्च गेट। चलो बेटे, टर्न योर पेज नेक्स्ट 222। द एलिफेंटा केव्स आर जस्ट 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम मुंबई। वहाँ पे एलिफेंटा केव है, केव होती है बेटे गुफा। केव क्या होती है? गुफा। आप जैसे वैष्णो देवी वगैरह गए होंगे, वहाँ पे गुफा बनी होती है, बहुत अंदर अंधेरा होता है, उसको गुफा बोला जाता है। वहाँ पे एलिफेंटा केव्स आर जस्ट 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम मुंबई, मुंबई से 10 किलोमीटर दूरी पर है। दे आर सराउंडेड बाई सी। सराउंडेड क्या होता है बेटे? एक दिन आगे भी मैंने बताया था, शाबाश बोल रही है बच्ची, क्या आती है? घिरे होना। तो ये घिरा हुआ है किससे? सी। सी होता है बेटे समुंदर, समुंदर से घिरा हुआ है। एंड आर फेमस फॉर देयर फोर रॉक कट टेम्पल, और यहाँ पे फेमस भी है रॉक कट टेम्पल, यहाँ का फेमस मंदिर है। नेक्स्ट है बेटे पीपल एंड लैंग्वेजेस, वहाँ के लोग और उनकी लैंग्वेज कौन सी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ इंडिया लिव एंड वर्क इन मुंबई। इंडिया के हर पार्ट के लोग मुंबई में रह रहे हैं और वहाँ पे वर्क काम कर रहे हैं। मोस्ट पीपल स्पीक मराठी। मोस्टली स्पीक क्या करते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं बेटे वहाँ के? मराठी। मुंबई के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? मराठी। किसी ने हीरो बनना हो ना तो मुंबई चले जाना, वहाँ पे हीरो बनते हैं, ठीक है? फिल्में देखते हैं ना आप, कहते हो मैं भी ये हीरो हूँ, ये हूँ, है ना, सलमान खान बनना है, ये बनना है ना, तो वहाँ पे भी हीरो बनाए जाते हैं। लेकिन बेटे उसके लिए भी आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, जो दिखता है वो नहीं होता, बहुत हार्ड वर्क करते फिर जाके वो हीरो बनते हैं, ठीक है? आगे सुनिए, वहाँ के लोगों की मेन लैंग्वेज क्या है बेटे? मराठी। विच इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की मेन लैंग्वेज है वो। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑल्सो स्पीक हिंदी। वहाँ पे मोस्टली लोग क्या बोलते हैं? हिंदी भी बोलते हैं, कोंकणी भी बोलते हैं, एंड साउथ इंडियन लैंग्वेज, और साउथ इंडियन लैंग्वेज स्पीक करते हैं। नेक्स्ट है बेटे फेवरेट फूड। उनका फेवरेट फूड कौन सा है? फेवरेट, एफ ए वी ओ यू आर आई ए ई,
फेवरेट की स्पेलिंग लिख लीजिए FABOURITE फेवरेट फूड। फेवरेट फूड कौन सा है उनका? पढ़ते हैं, द पीपल ऑफ मुंबई आर वेरी फोंड ऑफ स्नैक्स एंड भेलपूरी एंड पाव भाजी। वो मोस्टली लोग क्या फोंड होते हैं? शौकीन। किस चीज़ के शौकीन है? स्नैक्स के। अंडरलाइन कर लीजिए दीजिए नीचे, स्नैक्स लाइक भेलपूरी एंड पाव भाजी। श्रीखंड का स्वीट डिश इज वेरी पॉपुलर। श्रीखंड है बेटे उनकी फेमस स्वीट डिश है। श्री खंड, खंड से बेटे नेम कर लो, खंड का मतलब होता है चीनी, पंजाबी में बोलते हैं ना खंड मतलब चीनी, तो चीनी से मतलब क्या की चीनी मीठी होती है, तो उनकी स्वीट डिश क्या होगी फिर? चीनी मीठी होती है, मीठी को बोलते हैं स्वीट, तो स्वीट क्या होगा? श्रीखंड। नेक्स्ट आज की बेटे फेस्टिवल। फेस्टिवल क्या होते हैं? त्योहार। फेस्टिवल लिखिए FESTIVAL फेस्टिवल त्योहार। उनके त्योहार के बारे में डिस्कस करते हैं। गणेश चतुर्थी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। गणेश चतुर्थी क्या है उनका? मोस्ट फेमस फेस्टिवल है गणेश। कोई बेटे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो देख लेना प्लीज लिखते टाइम। CHATURTHI गणेश चतुर्थी फेस्टिवल है उनका मेन। इट इज सेलिब्रेट विद ग्रेट जॉय एंड डेवोशन। बहुत ही इंजॉय से, उत्सुकता से ये मनाया जाता है। अदर फेस्टिवल एज क्रिसमस, ईद, होली, दिवाली, जन्माष्टमी आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड विद द पॉम्प एंड स्प्लेंडर। मतलब बहुत ही खुशी से, उल्लास से, उमंग से सब मिलजुल के सब सेलिब्रेट फेस्टिवल करते हैं बेटे। पॉम्प स्प्लेंडर सेलिब्रेटेड क्रिसमस, दिवाली, इन सब को अंडरलाइन कर लीजिए। डेवोशन, ठीक है, आपने राइट करना है अपनी नोटबुक पे। नेक्स्ट बेटे ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कैसा है मुंबई का? ट्रांसपोर्ट साउथ
एयरपोर्ट है जो आज तो किसके नाम से जाना जाता है, तो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। फेस्टिवल, मेन फेस्टिवल कौन सा है, गणेश चतुर्थी। और फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किए जाते हैं कौन कौन से, दिवाली, क्रिसमस, ईद, होली एक्सेट्रा, है ना। तो आपने अच्छे से करना है। बॉम्बे का पहले नेम, मुंबई का पहले नेम बॉम्बे होता था वहाँ पे। और क्या है, ऑटोमोबाइल रिसर्च सेंटर भी है ना, वहाँ पे मूवीज बनती हैं, मूवीज का नेम बोले जाता है बॉलीवुड मूवी। और जो फोरन कंट्रीज में बनती है उनको बोला जाए, जो इंग्लिश मूवी होती है मीन्स ये बेटे ये होता है हॉलीवुड और बॉलीवुड, बॉलीवुड होती है हिंदी मूवी, बॉलीवुड होती है इंग्लिश मूवी। सो बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल अपने कर लिया है गणेश चतुर्थी। सो बच्चे आप जल्दी जल्दी दो मिनट में राइट डाउन कर लीजिए। बेटे ना समझ आए तो अपने पेरेंट्स की आप हेल्प ले सकते हो, नहीं कुछ समझ आ रहा तो आप एनी टाइम हमें वर्क के लिए कॉल कर सकते हो। स्कूल का टाइमिंग है जैसे आपको पता ही है 9:30 to 3:30, उस टाइम तक आप हमें कॉल कर सकते हो, हमारे से डिस्कस कर सकते हो। ओके बेटे अच्छे से पढ़ लेना, और जो भी आपको वर्क सेट किया जाए अपनी नोटबुक में आपने राइट डाउन करना है। ओके बेटे थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।